आज का ये जो प्रदर्शन है ये यूथ नेशनल कांग्रेस की तरफ से, जो ये गुंगी प्यारी सरकार जिसने गरीबों का खून चूसा, जिस सरकार ने 370 टूटने के बाद आम जनता को बड़े बड़े वादे कर कर गुमराह किया, जिस सरकार ने गरीब को 500 के बिल की जगह 50,000 का बिल दिया, जिस सरकार ने सड़कों पर नाम पर लोगों को गुमराह करके टोल प्लाजा लगाए, आज का ये प्रदर्शन उस गुंगी पैरी सरकार के खिलाफ है। आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने पार्टी हेडक्वार्टर से लेकर डीसी ऑफिस तक जाने का एक फैसला उठाया है, ताकि हम वहां जाकर लोगों की जो आवाज है, जो लोगों ने अपने दुखड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को आके सुनाए हैं, वो उनके तक रखना चाहते हैं। रविंद्र रैना जी भी आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ, नितिन गडकरी जी से वहां पर मुलाकात। पिछले एक महीने से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, नितिन गडकरी जी से मिल रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया है और जम्मू के लोग अभी स्मार्ट मीटर और सड़कों को लेकर रो रहे हैं। बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, जिन 25 MLA को इन लोगों ने जिताकर भेजा था जम्मू के, आज उनमें से एक भी टोल के हक के लिए बाहर नहीं निकल रहा। हमें शर्म आती है कि वो जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जिन्होंने नौजवानों को गुमराह किया, जिन्होंने टोल के नाम पर और बिजली के नाम पर लोगों को गुमराह किया, आज वो लोग खुद अपने एसी वाले कमरों में बैठ के सोए हुए हैं और लोगों को अभी भी गुमराह करके बोल रहे हैं कि हम दिल्ली जाके बात करेंगे। यहाँ तो उनसे एलजी साहब से बात हो नहीं रही, अब जा रहे हैं दिल्ली जाके रायपुर सभा का समर्थन करेंगे टोल के मुद्दे। देखिए, ये लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, जहाँ जहाँ जो जो जिस चीज के लिए आवाज उठाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सलाह बशाना। लगातार आप देख सकते हैं कि यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस